Okay, Avdesh, let's proceed ahead with your HR for Assistant Engineer post in Uttar Pradesh. Yes, so, sir. Avdesh, we start with your brief introduction. सर, माय नेम इज अवधेश कुमार पांडे और मैं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले का रहने वाला हूँ. मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं से हुई है. उसके बाद मैंने मैकेनिकल में बीटेक किया है. बीटेक के दौरान मैंने रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम पे अपना प्रोजेक्ट बनाया हुआ था. उसके बाद मैंने दिल्ली में 2 साल के लिए तैयारी की. उस दौरान मेरे कुछ एग्जाम निकले और उसके बाद फिर मैंने पैरेलली ट्यूशन देना शुरू कर दिया और अभी भी मैं ट्यूशन दे रहा हूँ और साथ में गवर्नमेंट एग्जाम की जो है तैयारी भी कर रहा हूँ. तो कब ग्रेजुएशन हुआ था आपका? सर, ग्रेजुएशन 2014 में, 14 में. और उसके बाद से आपने तैयारी किया और उसके बाद आप ट्यूशन देना स्टार्ट कर दिए? यस सर. तो काफी टाइम हो गया अब तो आपको ट्यूशन पढ़ाते हुए? यस सर. तो आप अब इस लाइन में कंटिन्यू क्यों नहीं करना चाहते अवधेश? सर, कंटिन्यू तो मैं कर रहा हूँ सर, और मतलब पर साथ में टाइम निकाल के पढ़ाई भी करते रहता हूँ, क्योंकि बीच में कोरोना की वजह से सर थोड़ा सा माइंड चेंज हुआ, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं रहती है. तो इस वजह से, और मतलब ये है, एक मेहनत होता रहता है कि अगर साथ में कहीं हो जाता है तो ठीक रहेगा. तो ये आप टीचिंग की लाइन ना चूज करके क्यों चाहते हैं कि आपको असिस्टेंट इंजीनियर बनना है अभी स्टेट में? सर, इससे पहले भी मैंने कई एग्जाम दिए हैं, जैसे यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर दिया था, उसमें मेरा इंटरव्यू तक हुआ था लेकिन फाइनल नहीं हो पाया. इससे पहले आरआरबी जेई और एसएससी जेई में भी. तो एक्चुअली ऐसा कोई इसी एग्जाम को लेके नहीं है, ऐसा है कि मतलब स्टेबिलिटी की बात है सर. और क्योंकि इसमें जैसे मतलब कई बार चीजें फिक्स नहीं होती. टीचिंग मुझे पसंद है, तो अगर इसमें मतलब शायद होगा भी तो भी अगर थोड़ा बहुत मिलेगा तो मैं टाइम बच्चों को इधर उधर सुबह शाम में अगर खाली टाइम मिलता है तो मैं बिल्कुल पढ़ाना पसंद करूंगा. ऐसा कुछ नहीं है, टीचिंग मुझे पसंद है, लेकिन सर मतलब स्टेबिलिटी भी चाहिए और मतलब अपने जो पर्सनल जो खर्चे हैं वो सब भी एक स्टेबल के हिसाब से मैनेज रहेगा तो बाकी चीजें भी ठीक चलती है. अच्छा, ये जो असिस्टेंट इंजीनियर का जॉब है, इसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं अवधेश, yes, तो आप अवेयर हैं कि आपको किस तरह का ये रोल्स होंगे, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी इस पर्टिकुलर जॉब में, और क्या आप इस जॉब में अपने आप को फिट कर पाएंगे जॉब ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर? सर, ज्यादा तो नहीं आइडिया है मुझे, लेकिन ये मुझे पता है कि हाँ, जैसा भी होगा मैं उसको एकोमोडेट करने की कोशिश करूंगा. जो भी है, जो भी वर्क अलॉट होगा उसको मैं पूरी ईमानदारी और जो है सत्यनिष्ठा से ही करने की कोशिश करूंगा. जो भी वर्क प्रोफाइल होगा तो उसको जरूर सीखने की कोशिश करेंगे और मतलब उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने की कोशिश करेंगे सर. तो आपको आपको लगता है कि आपका टेम्परामेंट वाइज आप इस जॉब के लिए सूटेबल हैं? सर, अगर ऐसा कुछ है सर, अब ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि हाँ कितना सूटेबल हूँ, लेकिन अगर मौका दिया जाएगा तो मैं अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश जरूर करूंगा सर. अच्छा, ये बताइए अभी कौन से विभाग को टारगेट कर रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में? इंजीनियर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को सर. जानते हैं कुछ इसके बारे में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में, डिपार्टमेंट क्या है ये? सर, अभी इस डिपार्टमेंट में बहुत संभावनाएं हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश ने 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट रख रखा है. जैसे एज ए कंट्री हमने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट रखा है, तो उसमें यूपी एक बहुत बड़ा रोल जो है अदा करने वाला है, क्योंकि यूपी सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है, उसमें लोग ज्यादा हैं, इंडस्ट्री की संभावनाएं ज्यादा हैं, क्योंकि वहां पे वर्क कल्चर मतलब वहां पे वर्क फोर्स अच्छा खासा मिल जाएगा आपको, और ये एनसीआर से भी काफी हद तक जुड़ा हुआ है. तो जैसे जो भी चीज आप प्रोड्यूस करेंगे उसकी सप्लाई भी, मतलब इसकी कनेक्टिविटी भी ज्यादातर नियरली 48 जो है नेशनल हाईवे इसके थ्रू पास करते हैं, और कई बड़े बड़े शहरों से इसका संपर्क है. लेदर इंडस्ट्री बहुत पहले से यहाँ पे कानपुर में है, मिल्क उद्योग यहाँ का बहुत अच्छा है. तो अगर हम और एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट यहाँ पे बनाते हैं, जैसा कि हमारे सीएम और जो है जो हमारे मंत्री जी हैं सतीश महाना जी, उनका टारगेट है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी से जल्दी कन्वर्ट किया जाए, तो इस ये देश की भी जो है डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट भूमिका अदा करेगा, और साथ में यहाँ के लिए, यहाँ के जो लोग हैं इनके लिए भी बहुत बेहतर होगा. तो अभी संभावनाएं बहुत है सर यहाँ पे. आपको लगता है ये 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो टारगेट रखा है हमने, ये रियलिस्टिक है? सर, बिल्कुल रियलिस्टिक है, जिस तरीके से काम चल रहा है.
सर बिल्कुल, मतलब अगर हम कोई टारगेट रखेंगे और उसको लेके बिल्कुल ईमानदारी से मेहनत करेंगे, तो जितना यहाँ पे जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने ये योजना चला रखी है, तो जी उसके थ्रू मतलब उत्तर प्रदेश में हर जिले की अपनी कुछ कुछ खासियत है, तो अगर उस पर काम किया जाएगा तो बिल्कुल इसके आसपास पहुंचा जा सकता है, बिल्कुल इसको अचीव किया जा सकता है, क्योंकि मेरे हर जिले की अपनी अपनी एक पहचान है सर। को ये अगर बताइए अवधेश, अगर आप ये डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं तो यस सर, क्या कंट्रीब्यूशन रहेगी आपकी, आपका क्या विजन है अपने आप को लेके इस डिपार्टमेंट में? सर मेरा जिस भी जिले के आसपास होता है उस जिले का मतलब एक खास कोई ना कोई प्रोडक्ट होगा, जैसे हर जिले का मतलब कहीं का दरी है, कहीं का गुड़ है, तो कोशिश किया जाए कि अगर जो इंडस्ट्री या फैक्ट्री लगती है या जो इंडस्ट्री फैक्ट्री पहले से है उससे संबंधित, उसके जो है मतलब उसका जो प्रोडक्शन हो उससे रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट हो इक्विपमेंट हो वो मतलब अच्छे मानक स्तर के हों, और मतलब उसमें जो हो वो ज्यादा से ज्यादा जो वहाँ के लोकल प्रोडक्ट हैं उसको एक तरीके से कंबाइन करके और जो नई टेक्नोलॉजी है उसको मीडिएटर बना के कैसे ज्यादा से ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट में उसको कन्वर्ट किया जाए, जिससे मतलब लोगों तक जो हमारी कल्चर है और जो लोग ट्रेडिशनल तरीके से बनाते हैं उसको और कैसे मॉडर्नाइज करके और उसको इफेक्टिव कॉस्ट में मतलब लोगों तक पहुंचाया जाए, जिससे कि मतलब कम लागत में और लोगों की जो कला है वो भी पहुंचे और हमारा जिसे हम लोकल के लिए वोकल हो सके सर। तो इसमें मेरे को ये बताइए कौन मिनिस्टर इंचार्ज हैं इसके डिपार्टमेंट के? सर ये श्री सतीश महाना जी हैं जो इस समय विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। यस सर। ओके, अच्छा ये कितने ऐसे सेंटर्स हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर? सर एग्जैक्ट तो मुझे नहीं याद है, जैसे इसमें सबसे पहले नोएडा को बनाया गया था जो है, और उसके बाद गीडा बनाया गया था, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, फिर लीडा है सर जो है लखनऊ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, सबसे पहले तो नोएडा ही बनाया गया था जो है, ग्रेटर ओखला न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके बाद जी नोएडा भी बनाया गया, ग्रेटर नोएडा भी, उसके बाद सर ये पूर्वांचल के पास एक मेरे ख्याल से सर शायद 7 के आसपास है जो है, नोएडा ग्रेटर नोएडा उसके बाद जीडा लीडा और एक सर पूर्वांचल के भी आसपास है सटेरिया करके, सटेरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से सर, इतना अभी मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ सर। ठीक है, ओके अवधेश, लेट मी गिव यू द फीडबैक नाउ। यस सर। अवधेश बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत अच्छा फ्लो मेंटेन्ड है और बहुत अच्छे तरीके से ऑनेस्ट आंसर दिया है। योर स्ट्रेंथ्स आर यस सर। कम्युनिकेशन, ऑनेस्टी, कॉन्फिडेंस एंड कामनेस, ये आपकी स्ट्रेंथ हैं। यस सर। आंसर का पेस थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, पेस आंसर यस करने से सर। पहले कुछ ऐसा लगे कि थोड़ा सोचा है और आंसर दिया है। ट्यूशन यस सर। से आपने स्टार्ट किया है और कि मैं ट्यूशन पढ़ाता था, यस सर। मैंने अपना एक ट्यूशन का कुछ और नाम अगर सोच सकते हैं, पहले भी आपसे यही डिस्कशन हुआ था मेरा, तो यस सर। सोच सकते हैं कि काफी साल का मामला है ये, कुछ और अगर इस तरीके से सोच सकते हैं कि सर मैं इस डायरेक्शन में तैयारी करता रहा, अपना सोर्स इनकम जनरेट करता रहा। अभी यस सर। बहुत से एग्जाम्स निकले हैं लेकिन सौभाग्य नहीं मिला कि फाइनली सिलेक्ट हो जाऊं, जो भी आप बताना चाहें। यस सर। और ट्यूशन क्यों छोड़ना चाहते हैं सर? बात छोड़ने की नहीं है लेकिन इसको मैंने कभी भी अपना फाइनल करियर अपॉर्चुनिटी की तरफ से नहीं देखा, ये मेरे लिए एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का रीजन था। एंड मैं ये बोल सकता हूँ कि ये लार्जली मेरी एक हॉबी है पढ़ाना, और उसी हॉबी से मैं अपने आप के लिए फाइनेंशियली सस्टेनेबिलिटी ढूंढ रहा हूँ इतने साल से और उसको मैं पूरी कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं करियर के बारे में सोचता हूँ तो आई वॉन्ट के स्टेबिलिटी आए और जॉब मिले, और कोविड के टाइम पे ये मेरे को फील भी हुआ कि यहाँ इसमें स्टेबिलिटी नहीं था और उसमें कुछ ट्रबल भी मेरे को आई। असिस्टेंट इंजीनियर ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं कि सर मैं ग्रेजुएशन के टाइम से ही जब अपने लिए सोचता था कि मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊं तो असिस्टेंट इंजीनियर वाज द फर्स्ट प्रायोरिटी जो मैं सोचता था। यस सर। दो अब मैं उस सिचुएशन में हूं कि जिसमें मेरे को कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब चाहिए सर, लेकिन अगर मेरे से फर्स्ट प्रायोरिटी पूछी जाए तो असिस्टेंट इंजीनियर की ही जॉब मैंने रखूंगा। सुटेबिलिटी कैसी है आप बोलना सर? मेरे बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं जो एज असिस्टेंट इंजीनियर जॉब कर रहे हैं, मेरे को थोड़ा सा आइडिया है किस तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लोगों का डीलिंग होता है। मैं एक बहुत ही कमिटेड इंडिविजुअल हूँ सर, जो काम मेरे को दिया जाता है मैं उसको फुलफिल करता हूँ। सोशली मोटिवेटेड हूँ, लोगों के इंटरेक्शन करना, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना मेरा मेरा नेचर है। और मेरे को लगता है कि अदर देन जो टेक्निकल स्किल मेरे को हैं, जो मैंने पढ़ा है और मेरे को नॉलेज है, उसके अलावा कुछ जो ट्रेट्स मेरे पर्सनैलिटी में हैं, जैसे वर्किंग विद पीपल, हेल्पिंग द पीपल एंड अपना जो काम दिया जाए उसको ढंग से करना,
और डिसिप्लिन में रहना, ये मेरे को एक अच्छा अधिकारी बनाएगा। इस तरीके से आप जो रिक्वायरमेंट यही होती है लोगों के उसमें करना, और मैं प्रेशर अंडर प्रेशर भी मैं परफॉर्म कर सकता हूँ सर, और जहां पब्लिक डीलिंग होती है वहां प्रेशर होता है, तो मेरे को लगता है मैं प्रेशर में काम कर सकता हूँ। जो आप मुंह से निकाल देंगे वहां से क्वेश्चन आ जाएगा। अगर आपने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बोल दिया, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बोल दिया, तो वहां से क्वेश्चन आ जाएगा कि क्या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम मीट कर पाए, तो क्या हम 1 ट्रिलियन मीट कर पाएंगे, क्या एजेंडा है, कैसे मीट कर पाएंगे। और जिस डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं उस डिपार्टमेंट के बारे में वो पूछना स्टार्ट कर देगा। तो उस डायरेक्शन में थोड़ी और तैयारी करो, सो दैट आपके आंसर जो है क्वालिटेटिवली अच्छे चलते चले जाएं। अब ये मेरे को नहीं पता कि आपका जो सिलेक्शन कब होगा और क्यों नहीं हुआ है अभी तक इंटरव्यूज में, लेकिन आपका लेवल अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। उसी को थोड़ा कंटेंट एनरिच करो अवदेश, राइट, द यस रेस्ट सर, इज ओके। यस सर।